एक बात पूछूं? तुम्हारी जिंदगी में कुछ लड़कियां तो आई होंगी। कुछ ज्यादा 100-150। 100-150? वाह वाह। 50 कम कर देते। 100। इतनी लड़कियां तो तुम्हारी जिंदगी से गुजर चुकी हैं। अरे मैडम, फिर थोड़ा दिल रहता ना रास्ता, सब टूट फूट के ढेर हो जाता। गंदिया मजाक छोड़ो, बताना कोई होती तो बताता। छूट ऐसा कुछ कौन तो छूट का लगे? कौन यकीन करेगा? अमेरिका लंदन में रहे हो, वहाँ के कॉलेज में कैंपस में ग्राउंड लग गए, कोई तो मिली होगी। पहले बात देखो मेरा, खैर मैं वहाँ कॉलेज में जाता था तो दोस्त होते थे, और उन दोस्तों में से काफी लड़कियां भी थी, और उन लड़कियों में से एक या दो ऐसी थी जिनके साथ दोस्ती थी। कह रही का तो नाम भी याद रखिए, साली साली कैसे काफी लोग प्यार करते थे उससे। प्यार करता था या साथ में जीने का एहसास, ये तो मुझे नहीं मालूम। एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लास के बाद कॉफी पीने जाया करते थे, और कभी कभी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाया करते, और कभी कभी सिनेमा या थिएटर, कभी कभी पार्क के बेंच पर। हाँ, कभी कभी पार्क के बेंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, और क्या, और कभी कभी हाथ छोड़कर उसकी कमर पकड़ लिया करता था। अक्सर बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखो मेरा ये तो आम बातें हैं, वहां पे होता रहता है। सच बताओ ना, छुपाना नहीं। मेरा सारी बातें अगर आज ही सुन लोगी तो कल क्या करेंगे? ये तो हुई मेरी बात। देखो लेकिन सच सच बता, झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा मतलब है मामला सीरियस था। मैं मुझसे तो बहुत चाहते थे, मिलते थे। फिर क्या, धीरे धीरे पता चला कि हमारे पायलट अलग अलग थे। यूं तो वो खुले विचारों वाला बनता था, लेकिन भाव नहीं छके। मुझे लगा कि कहीं मैं घर की चार दीवार में फैल न जाऊं। तो तुमने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता सब भूल गए, वो बातें वो रातें वो मुलाकात सब कुछ कर दिया। कहीं दिल के किसी कोने में वो लकीरें मैंने मिटा दी, याद करने पर भी एक खुशी याद नहीं। सब कुछ भूल गया। ओह, मेरी बड़ी गलती थी, मुझे तो नहीं पता है। नहीं मेरा नहीं, इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं पता। मेरा मैं हमेशा सामने देखता हूँ, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता।